ये कौन रहे बेटा? मामा मामा सलमान खान तेरा मामा? बाबा केवला ने भी अभी कहाँ से आगा? ऑरेंज चाहिए। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी सुबह का 8:30 बजने के लिए जा रहा है और मैं अभी मफसल निकला हूँ। मैं आज मफसल लेट से निकला हूँ क्योंकि एक घर में करीब 1 क्विंटल भर लोहा है, जिस घर से मैंने उस दिन भिलियास मशीन वगैरह खरीद के लेके आया था। तो उन्होंने मुझे संडे को बुलाया था, कल रात को मैं फ़ोन किया तो बोले हाँ ठीक है कल 9 बजे तक को आ जाना। तो अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ, वहाँ से माल लेके सीधा घर वापस आऊँगा। ऊपर वाला से दुआ करो जैसे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा माल मिले। तो भाई अभी मैं माल लेके उनके घर से निकल के आ गया हूँ। टाइम अभी पूरा 11 बजा है और यहाँ से मेरा घर आई थिंक 9-10 किलोमीटर होगा, तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि चढ़ के जाने का कोई गुजारा नहीं है। देखिए किस तरह से बंधा हुआ है, और ये जो दोनों पाइप है ये पाइप सिर्फ 50 किलो है, बाकी रोड वगैरह है टोटल 65 kg का ऊपर है। तो अभी 11 बजा है, पैदल जाके कितना बजे पहुँचूँगा मालूम नहीं। जो भी हो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने हुए रहिए, आप लोग को बताऊँगा कहाँ क्या होता है कैसे होता है। मुझे पता है आज जाने में बहुत परेशानी होगा क्योंकि लोड तो हैवी बहुत है। आराम से जा रहा हूँ, देखता हूँ कितना बजे पहुँचता हूँ। तो अभी मैं सूर्या नाम का गांव में पहुँच गया हूँ, ये मेरे घर से 2-3 किलोमीटर ही दूर है। तो मैं जल्दी से जल्दी जाने के लिए कोशिश करता हूँ क्योंकि उस दिन जो हमारे एक रिश्तेदार इंतकाल हुए थे उसका आज गुलबक्सी है, तो गुलबक्सी में मुझे दावत पड़ा था जाने के लिए। तो अभी 12:30 बजा है, आई थिंक 1-1.5 बजे पहुँच जाऊँगा। तो अगर जल्दी पहुँचा तो जाने के लिए कोशिश करूँगा, वरना और कर भी जा सकता हूँ। हाँ, और एक बात, ये जो पाइप है ये थोड़ा लंबा है, उसका डबल है ये और वेट में भी डबल है, तो इस वजह से ये बार बार यहाँ से खुल रहा था। तो मैं क्या किया, एक फीता निकाल के इसको पीछे से टाइट कर दिया हूँ। तो अभी जर्नी कंटिन्यू करता हूँ, कितना जल्दी पहुँचूँगा क्या कोई आइडिया नहीं है। मेन बात ये है, अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तो जल्दी से पहुँच जाऊँगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ बार बार ऐसे ही खुला रुकना पड़ेगा तो फिर लेट हो जाएगा। अभी आके मैं घर पहुँच गया हूँ, ये देखिए साइकिल को यहाँ पर लगा दिया हूँ और वो जो रोड था रोड को निकाल के यहाँ पे डाल दिया हूँ। टाइम अभी 1:40 हो गया है, तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लेट हो जाएगा। रास्ते में मतलब बहुत झमेला हुआ क्योंकि जो सब मैं बांधा था रस्सी वगैरह वो सब आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो गया है, कटता जा रहा था, एक एक बांध के मैं आ रहा था, तो इस वजह से काफ़ी लेट हो गया है। अब तो गुलबक्सी को जाने का कोई चांस नहीं है। तो जो भी हो, अभी चुन्नी क्या कर रही है देखना, आटा चला रही है आटा। तो अभी टाइम 4 बजने के लिए जा रहा है और ये लेके मैं बेचने जा रहा हूँ। ये जो कल बोतल वगैरह मैं घर पे रख के चला गया था वही है, तो इसको भी साथ में लेके अब जा रहा हूँ। जब पैदल जाना पड़ेगा तो सोचा वो भी लेके चला जाता हूँ। अब लेट हो गया है, लेट इसलिए हुआ क्योंकि वो जो मशीन था उसको मैं तोड़ रहा था अभी, तो लगभग तोड़ा ख़त्म हो गया है, बाकी थोड़ा बहुत बाकी है। आई थिंक कल तक को हो जाएगा और कल लेके मैं इसको बेच दूंगा। तो अभी बिना देर किए हुए मैं इसको लेके सीधा निकलता हूँ, वहाँ से जाने के बाद मैं फिर एक जगह जाना है तो वहाँ चल के मैं आप लोग को बताता हूँ। आया था जब तब तो उजाला था, लेकिन अभी अंधेरा हो चुका है क्योंकि शाम हो गया है। तो लेट इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पे एक माधिया नाम का भैया रहते हैं, तो वो ज़रा हिसाब किताब में कच्चा है, पहले में ही मैंने वीडियो में बता दिया हूँ। तो उनका थोड़ा हिसाब हिसाब कर रहा था, अब हिसाब हिसाब लगा के सीधा घर निकल रहा हूँ। तो आरिफ बोला था आएगा शायद मिलने के लिए, तो थोड़ा फ़ोन करके देखता हूँ, अगर आएगा तो अच्छा है, बैठ के बात बात करेंगे। तो भाई मैं आके अभी घर पहुंच गया हूँ और खाना वाना भी अभी खा लिया हूँ। खाना में आज रोटी सब्जी था,
तो मैं वहां से माल बेचने के बाद में देवली हाट जाने था जाने वाला था कुछ काम की वजह से, तो वहां मैं गया नहीं और काम भी हुआ नहीं, इस वजह से मैं आप लोग को बताने के लिए भूल गया। तो अभी थोड़ा देर बैठ के बेटा का साथ मैं काम करता हूँ, सॉरी खेलता हूँ। क्या यहाँ पहले वीडियो में बोल दो, पहले वीडियो में कैसे हो बोल दो, यहाँ यहाँ पहले बोल दो, देन से ले जामा को कैसे हो कह दो। बाबा केवल नहीं भी अभी कहाँ से आगा, ऑरेंज चाहिए। क्या हुआ? हाँ अभी कहाँ से लाके दूँ भाई? क्या तुम्हारा मामा कहाँ गो बेटा? मामा कहाँ दिखा दो तो थोड़ा। हाँ मामा कहाँ, कहाँ मामा बेटा? हाँ कहाँ? तो अभी भी वो भूला नहीं, उसको याद है। ये देखिए ये कौन रे बेटा? मामा, सलमान खान तेरा मामा। तो थोड़ा देर बेटा का साथ में खेला, खेलने के बाद में बेटा अभी सो गया है और चुन्नी बैठ के यहाँ पढ़ाई कर रही है, और मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। तो थोड़ा फोन भी चुन्नी को देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ उनका प्रॉब्लम होता है तो यूट्यूब के ट्यूटोरियल के जरिए से, यूट्यूब में जो कायदा सिखाते हैं तो वहाँ वहाँ वो देख लेती है, तो इस ऐसे करके सीखती है। सुबह तो ट्यूशन जाती है लेकिन शाम को पढ़ाई करने का टाइम में थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ गलती होता है वो देख लेती है। तो अभी मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करने वाला हूँ। ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके बताना, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और मेरा ब्लॉग देखते रहिए। थैंक यू।